हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सॉन्ग का बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे हटाते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप डीजे रिमिक्सर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, इससे आपको पता चल जाएगा सॉन्ग का बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन है स्प्लिट हिट। स्प्लिट हिट दोस्तों, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। 250 से 300 MB के बीच में है लगभग ये एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन है ये वाला। दोस्तों, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कर लीजिए दोस्तों, जब आप डाउनलोड करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं आप। तो सिंपली आपको लोकल सॉन्ग्स पे क्लिक करना है, लोकल सॉन्ग्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका फाइल मैनेजर फाइल आ जाएगा। आपको जिस भी सॉन्ग का बैकग्राउंड हटाना है उस सॉन्ग को ले लीजिए। थोड़ा टाइम वेट कीजिए दोस्तों, बस थोड़ी देर वेट करिए दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा। पापा मम्मी के लिए बेस्ट हो गया दोस्तों। अगर आपको सॉन्ग नहीं सुनाई दे रहा तो आप ईयरफोन का यूज़ करिए, इससे आपको सॉन्ग सही से सुनाई देगा। देखिए दोस्तों, इसमें अभी कोई मास्टरिंग नहीं किए हैं। वीडियो को पूरा देखिए, मेन प्रोसेस बस इसी पे है। सिंपली आपको बेस को एकदम कम कर देना है, हदर को 44, ड्रम को 20 पे। बीस पच्चीस आप कुछ भी रख सकते हैं। अब सुनिए दोस्तों सॉन्ग। सुन सकते हैं, बैकग्राउंड एकदम खत्म हो गया है इसका, एकदम क्लीन। एकदम बैकग्राउंड हट चुका है दोस्तों। अगर आप किसी भी सॉन्ग का बैकग्राउंड यूं चुटकियों में हटा सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है स्प्लिट हिट एप्लीकेशन की। दोस्तों, सुन सकते हैं आप, एकदम बैकग्राउंड हट चुका है एकदम। बैकग्राउंड हट जाएगा दोस्तों, सिंपली थोड़ा टाइम लगता है इसमें बैकग्राउंड हटने में। तो आप यहाँ पे देखिए, ऊपर किस कोने में लिखा हुआ है सेव। सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा सेव होने में। सेव हो रहा है दोस्तों, मैं आपको सेव करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कैसे किया जाता है तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख सकते हैं आप। यही करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे सेव करते हैं। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। बस दोस्तों थोड़ी देर और हो गया। दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली यहाँ पे देखा फॉर्मेट लिखा हुआ है, आपको MP3 में भी सेव करना चाहते हैं, वेब में भी, तो हमें MP3 में सेव करना है। तो सेव पे आप क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्टिंग हो रहा है। दोस्तों देखिए सेव हो चुका है सॉन्ग। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग लाइक नहीं करते। दोस्तों मैं ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों भाई लोग। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा अगर आप DJ रिमिक्सर हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।